गुलबर्गा ख्वाजा बंदा नवाज दरगाह एरिया में नूर फैमिली रेस्टोरेंट का ग्रैंड इनोग्रेशन हुआ है, जो कि एक मल्टी क्विजिन रेस्टोरेंट है जहां आप इंडियन, अरबियन, तंदूरी, चाइनीज और दीगर कई न्यू डिशेस को एंजॉय कर सकते हैं। और इसके अलावा यहां खासकर हुमनाबाद बस स्टैंड की फेमस लस्सी भी अवेलेबल रहेगी। और जैसे कि आप जानते हैं, दरगाह एरिया चाय के लिए काफी मशहूर है। शहर के हर इलाकों से लोग यहां चाय पीने के लिए आते हैं। और फिलहाल आप नूर रेस्टोरेंट में तीन तरह की अलग अलग वैरायटीज में मसालेदार चाय का मजा ले सकते हैं। मोहम्मद आजम गनी ने दरगाह एरिया में इस मल्टी क्विजिन रेस्टोरेंट को ओपन किया है, जिसमें 300 से ज्यादा सीटिंग कैपेसिटी के साथ फैमिली के लिए अलग से सेक्शंस बनाए गए हैं। और सबसे खास बात, फैमिली सेक्शंस के लिए लेडीज स्टाफ भी यहां अवेलेबल रहेगा। इस इनोग्रेशन के मौके पर रोजेदारों के लिए आजम गनी के जरिए इफ्तार और ताम का एहतमाम किया गया था। नूर फैमिली रेस्टोरेंट का इनोग्रेशन जनाब मोहम्मद अली अल हुसैनी साहब की दुआ और ब्लेसिंग के साथ डॉक्टर सैयद मुस्तफा अल हुसैनी साहब के हाथों इनोग्रेशन किया गया है। इस मौके पर यदुल्ला हुसैनी उर्फ निजाम बाबा साहब, सैयद वाखर हुसैनी उर्फ करामत बाबा साहब, नीरुल शरीफ दरगाह से वसीम बाबा साहब के अलावा नासिर हुसैन उस्ताद, फराजुल इस्लाम, जैदुल इस्लाम, मजार आलम खान एडवोकेट वहाज बाबा, सैयद अहमद रोजा मठ के स्वामी जी, हुमनाबाद नूर ढाबा के ओनर सैयद अलीम साहब और अजीम शेख आलमदार जैदी के अलावा दीगर कई पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल लीडर्स, सोशल एक्टिविस्ट और दीगर कई लोग यहां मौजूद थे। इस इनोग्रेशन में मौजूद सभी मेहमानों ने आजम गनियन ब्रदर्स के साथ तमाम गनी फैमिली को इस न्यू वेंचर के लिए मुबारकबाद पेश कर गुलबर्गा शहर के आवाम के अलावा तमाम दरगाह को विजिट करने वाले जाहिरीन को नूर फैमिली रेस्टोरेंट को विजिट करने की गुजारिश की है। मजीद तफसीलात के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इफ्तिता अमल में आई है। मैं बड़े फ़ख्र के साथ ये कहना चाहता हूँ कि मैं समझता हूँ गुलबर्गा में इस तरीक़े की रेस्टोरेंट इतनी बड़ी जो 300 कैपेसिटी के साथ इतने आला इंटीरियर्स यहाँ पर किए गए हैं सिर्फ आप लोग की खिदमत के लिए, और मैं तमाम उसकी टीम को, हमारे इरफान गनी, आज़म गनी साहब और आबिद रऊफ साहब जो इंटीरियर डिज़ाइनर है, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। मैं अब तक गुलबर्गे में इस किस्म की रेस्टोरेंट नहीं देखा, और मैं तमाम ज़ायरीन ने हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज से गुजारिश करूँगा कि आकर यहाँ का जायका लीजिए, और इंशाअल्लाह ताला मैं दुआ भी करता हूँ कि ख्वाजा साहब के वसीले से कि अल्लाह ताला इनके कारोबार में खैर व बरकत अता करे और ये खानवादे को खिदमत करने का आगे भी कई मौका दे इंशाअल्लाह ताला। और खुसूसन सिर्फ ज़ायरीन के लिए नहीं है बल्कि पूरे गुलबर्गा के लोगों से भी गुजारिश करूँगा कि आइए, आप आकर यहाँ देखिए, आप वीडियोस देख के आइए, या आप जैसा ही एक बार आएंगे तो घर बार बार इंशाल्लाह आप आएंगे। और इनका गनी साहब का जो ख़ानदान है, कोई नया ख़ानदान नहीं है, वो लोग काफ़ी सालों से खिदमत करते आ रहे हैं। मैं पूरे तमाम उनके अफराद ख़ानदान को मुबारकबाद पेश करता हूँ और कामयाबी की दुआ करता हूँ। शुक्रिया। बड़ी मसरत की बात है आज के दरगाह इलाके में ज़ायरीन ख्वाजा बंदा नवाज के लिए और यहाँ के शहरियान के लिए। हमारे ख़दीम ताजर इस इलाके के जनाब अब्दुल गनी साहब के पोतों ने
यानी आज़म गनी और इरफान गनी साहब और उनके दो साथियों ने यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत और बड़ी कुशादा रेस्टोरेंट का एक इफ्तिताह अमल में लाया है। नूर रेस्टोरेंट इसका नाम है। मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पर आकर एक बार विज़िट ज़रूर कीजिए। बहुत ही मैं यहाँ देखता हूँ कि बहुत ही स्पेशियस और बहुत ही लाविश इंटीरियर्स हैं, बेशक सही बात है, और बहुत मुबारकबाद देता हूँ यहाँ पे जी इन्होंने इंटीरियर डिज़ाइनिंग की है मैं हमारे आबिद रऊफ साहब को। बहरहाल में मेरी तमाम दिल की गहराइयों से इनको मुबारकबाद। अल्हम्दुलिल्लाह आज नूर रेस्टोरेंट को ओपन हुआ है दरगाह एरिया में। मैं मुबारकबाद देता हूँ गनी साहब को, आज़म गनी, इरफान गनी और हमारे नूर आबिद को। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी स्पेशियस रेस्टोरेंट है और एम्बिशन भी बहुत अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप लोग के चैनल से एक पुलिस को भी दरख्वास्त दूंगा कि दरगाह एरिया में 24/7 रेस्टोरेंट ओपन करने की वो करें। कंसर्न पुलिस डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट है हमारा, क्योंकि ज़ाहरीन जो गुलबर्गा को दरगाह को आते हैं काफ़ी तकलीफ़ होती है बाज़ वक़्त। आजकल पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, डायबिटिक है, हाइपरटेंशन है, ऐसे चीज़ों में लिमिटेड आइटम्स तो भी उनको परमिशन देना ये हमारी ख्वाहिश है डिपार्टमेंट से। अल्हम्दुलिल्लाह बाकी सब काफ़ी खूबसूरत इंटीरियर्स हैं, अल्लाह आप इनके कारोबार में तरक्की दे, हमारी दुआएं हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नूर रेस्टोरेंट की ओपनिंग हो गई है और मुस्तफ़ा साहब यहाँ पे टाइम दिए, करामत साहब, निज़ाम साहब टाइम दिए, वक्त दिए अपना, और आज ओपनिंग हो गई है हमारे रेस्टोरेंट की। दरगाह को बहुत करीबी है दरगाह से, ज़ाहिर इनको बहुत ज़रूरत थी रेस्टोरेंट की ये एरिए में, और मेरे पास वो रेस्टोरेंट ओपन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से। मेरे पास एक एट ए टाइम एक 300 मेंबर भी कभी भी बैठ के खाना खा सकते, चाय पी सकते, जूस पी सकते, उसी कैपेसिटी के मेरे पास स्पेस है। स्पेशल लस्सी है अपने पास, चाय दो या तीन नमूने की चाय है अपने पास, कोल्ड ड्रिंक है, पूरे जूस है, और पूरे रेस्टोरेंट में इंडियन, अरेबियन सब है, और सुबह नाश्ते में सब मिलेगा। जनरल है, फैमिली के लिए फैमिली सेक्शन भी है, जनरल सेक्शन भी है, मंदी सेक्शन भी है, पूरे डिवाइड करे हुए हैं, कटन है पूरे सबके सेपरेट सेपरेट है। जनरल ऊपर जिसको प्राइवेसी चाहिए वो लेडीज़ के वास्ते अलग कैबिन है, जो जनरल है जनरल के वास्ते है। लेडीज़ पूरा ऊपर का स्टॉप लेडीज़ का है, नीचे का स्टॉप जेंट्स का है। क्या कहना चाहेंगे गुलबर्गा के? बस यहाँ के आगे यहाँ पे हमारी होटल का जायका लीजिए, इंशाल्लाह हम आपको अच्छे से अच्छा टेस्ट देंगे। दोबारा आप खुद अपनी मर्ज़ी से है वैसा आपको वैसा टेस्ट देंगे, ज़ायरीन से लेके लोकल तक सबके लिए। अभी ऑनलाइन का भी अपना चल रहा है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी जोमैटो भी आएगा और स्विगी पे भी आएगा इंशाल्लाह, आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं, आपको सर्विस सब मिलेगी इंशाल्लाह। ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಒಂದು ರೋಜಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಭಾಳ ಇತ್ತು. ಈ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಖಾಜಾ ಬಂದೇ ನವಾಸ್ ದರ್ಗಾದ ಸಾಹೇಬರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ರೋಜಾ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಠ ಇದೆ, ಆ ಮಠದ ಪೂಜ್ಯರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. आज हमारे गनी ब्रदर्स को तहे दिल से मुबारकबाद। हर दिन जो है एक नया नया कॉन्सेप्ट, चाहे वो रियल इस्टेट का बिज़नेस हो, चाहे वो रेसिडेंशियल्स का हो या लॉज का हो, बिज़नेस में आए दिन जो है उनकी तरक्की हो रही है, और दुआ है कि आए दिन वो ऐसे ही तरक्की करें। ओनर है हमारे जनाब आज़म गनी साहब और हमारे इरफान गनी साहब, और आज़म गनी साहब जो होटल लॉजिंग में बढ़िया एक्सपीरियंस रखे हैं पिछले कई सालों से, दरगाह एरिया के तकरीबन लॉज होटल्स आपके अंडर चल रहे हैं, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और लोगों को भी बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं ये।
लोगों से भी बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है इनसे, तो ये भी होटल बहुत शानदार होटल खुली है। लाखों की तादाद में पूरे हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान के बाहर ज़ाहरीन यहाँ पर आते हैं, तो उन्हें तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता था, मगर नूर रेस्टोरेंट एक फुल फ्लेज बेहतरीन इंटीरियर डेकोरेशन के साथ इंडियन, मुगलाई और अरेबियन फूड का रेस्टोरेंट यहाँ पर ओपन किया है, जिसके लिए बेहतरीन शेफ्स रखे गए हैं और बेहतरीन सर्विस दी जाएंगी। अभी अभी हमें इस रेस्टोरेंट के ओनर इरफान गनी साहब और आज़म गनी साहब ने लस्सी को टेस्ट करवाया, एक बेहतरीन लस्सी जो कई ज़माने से हुमनाबाद में दी जाती थी, आज उसे यहीं पे शिफ्ट किया गया है। नूर रेस्टोरेंट रखा गया है जिसके ओनर हैं आज़म गनी और इरफान गनी साहब। मैं दिल की गहराइयों से इन दोनों भाइयों को मुबारकबाद देता हूं। जब हम यहां पर आए तो ऐसा महसूस हुआ कि एक बहुत बेहतरीन शानदार होटल, एक जो दरगाह एरिया में जो कमी थी वो कमी पूरी हो गई है। अभी अभी हम लस्सियां टेस्ट किए हैं, ये लस्सी कई सालों से हुमनाबाद में बहुत फेमस लस्सी और नूर ढाबे पे चल रही थी। नूर ढाबे के जो ओनर हैं इनके मामू लगते हैं, वो वहीं का कॉन्सेप्ट यहाँ लेकर आए हैं। अभी अभी ये देखिए आज़म गनी आपके सामने ही लस्सी बनाकर मुझे दे रहे हैं, तो अभी मैं एक गिलास पिया हूँ, ये दूसरा गिलास मेरे लिए फिर एक बार बना रहे हैं। इतनी शानदार लस्सी है ये, तो मैं आप तमाम लोगों से, ख़ास तौर से गुलबर्गा के लोगों को भी मैं अपील करता हूँ, यहाँ आस पास में ऐसी रेस्टोरेंट कहीं भी नहीं थी और इतनी बेहतरीन डेकोरेटेड रेस्टोरेंट। आज हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज गेस्ट दराज रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह के नज़द जो नूर रेस्टोरेंट का इफ्तिताह अमल में आया है, नूर रेस्टोरेंट के जो ओनर हैं जनाब आज़म गनी साहब और इरफान गनी साहब को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि शहराने गुलबर्गा की आवाम खाने का जायका लेने के लिए गुलबर्गा शहर से लोग जो है हैदराबाद जाया करते थे, लेकिन गुलबर्गा शहर के एक मसरूफ़ तरीन इलाके में जो नूर रेस्टोरेंट आया है, यहाँ पर मुख्तलिफ़ जायकेदार डिशेस आपको यहाँ मिलेंगे। इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आकर जायका लेकर 100% आज़म साहब को और इरफान साहब को मुबारकबाद देकर जाएंगे। तो हमने लस्सी का जो जायका लिया है, शायद मैं समझता हूँ कि गुलबर्गा में पहली मरतबा मैं इस तरह की लस्सी पिया हूँ। मैं इरफान गनी साहब को और आज़म गनी साहब को मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं अल्लाह ताला से दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला जो है आपके कारोबार में बरकत अता फरमाए। शुक्रिया। मैं शहराने गुलबर्गे को मुबारकबाद देता हूं जो गनी फैमिली ने बहुत बड़ा स्टेप लिया है दरगाह के नज़दीक। बहुत से लोग जो शहर के बाहर से, हर वो स्टेट से जो गुलबर्गा शहर को आते हैं लोग, उन लोगों की सोच थी कि इतनी बड़ी दरगाह के पास एक ऐसा रेस्टोरेंट नहीं है जो हम लोग वहाँ पे जाके कुछ अच्छा जायका लें। वो जज्बे को बंदे नज़र जहन में रखकर जो गनी साहब ने जो स्टेप लिया है, मैं उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज नूर रेस्टोरेंट की इफ्तिताह हुई है, इस मौके पर हमको आना हुआ, जिन पे जनाब मुस्तफ़ा बाबा साहेब क़िबला रोज़ाए बुज़ुर्ग से तशरीफ़ लाए थे और साथ ही साथ रोज़ाए ख़ुद के सज्जादे नशीन
निज़ाम बाबा आए हुए थे, आप तमाम लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि नूर रेस्टोरेंट पे कम से कम एक बार आकर विजिट कीजिए। दरगाह रोड पर नूर रेस्टोरेंट की इफ्तिताह हुई है। मैं इरफान गनी साहब को और आज़म गनी साहब को, उनके अहले ख़ानदान को, उनके तमाम भाइयों को मुबारकबाद पेश करता हूं। एक यूनिक तरीके से यहां पर देख रहा हूं मैं, अच्छा इंटीरियर्स भी दिया है और इंशाल्लाह मैं दुआ भी करता हूं अल्लाह ताला इरफान साहब को और तरक्की दे और ऐसी डिफरेंट वेंचर्स में इरफान साहब आगे बढ़ें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।